أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। एक नेक आदमी और उसकी बीवी। एक नेक आदमी शादी के बाद बीवी को लेकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में समुंदर अबूर करना पड़ा। आदमी ने एक कश्ती का इंतज़ाम किया और वो दोनों समुंदर अबूर करने लगे। कश्ती समुंदर के बीच पहुंची ही थी कि समुंदर में तूफान आ गया। इस सूरत हाल में बीवी का खौफ से बुरा हाल हो गया, लेकिन आदमी ऐसे इत्मीनान से बैठ रहा जैसे कुछ गैर मामूली हुआ ही ना। ये देखकर बीवी को हैरत हुई, वो गुस्से से चिल्ला उठी, आपको नज़र नहीं आ रहा, तूफान कश्ती को डबोने लगा है, हमारी मौत सर पर है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। ये सुनते ही खावंद ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और बीवी की शाहरख पर रख दी। बीवी हंसकर बोली, ये कैसा मजाक है। खावंद ने पूछा, क्या आप अभी मौत से खौफजदा नहीं हो रही? क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं आपका गला काट दूंगा? ये सुनकर बीवी बोली, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर एतमाद है। मुझे पता है आप मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं और ये तलवार आपके हाथ में है, लेकिन आपके हाथों मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये सुनकर खावंद बोला, जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर एतमाद है, वैसे ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है और ये तूफान भी अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो इसे रोक ले, चाहे तो कश्ती डबो कर भी हमें बचा ले। याद रखो, अल्लाह जो भी फैसला करे वो हमारे हक में हमेशा बेहतर होता है। दुआएं कि अल्लाह पाक हमें अपनी रजा पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिरो। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।